हेलो क्लास वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नेमिंग वर्ड्स ऑफ क्लास फर्स्ट नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वॉवल्स एंड कॉन्सनेंट और उनका यूज हम नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन में क्यों कैसे यूज करते हैं हमें वो देखना है वॉब्स एंड कॉन्सोनेट्स टोटल 26 सिक्स लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबिट अब हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं तो टोटल ट्वेंटी सिक्स लेटर्स हैं। उनमें से फाइव जो लेटर्स हैं उन्हें हम बोलेंगे वॉबल्स और उन फाइव के अलावा जो भी लेटर्स होते हैं उन सबको हम बोलेंगे कॉन्सोनेट्स कितने कॉन्सोनेट्स हुए तो ट्वेंटी वन there are 21 consonants and there are 5 vowels let's learn about vowels vowels kon kon se hote hain to a e i o u kon kon se vowels hote hain a e i o u इनके अलावा जितने भी letters बाकी बचते हैं वो सारे होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं कॉन्सोनेट्स बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये जितने भी लेटर्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं कॉन्सोनेट्स अब ए और एन का हम यूज़ देखेंगे तो जब भी कोई भी नेमिंग वर्ड या फिर हम नेमिंग वर्ड्स को क्या बोलते हैं नाउन कोई भी नाउन अगर कॉन्सोनेट वर्ड के साउंड के साथ शुरू होता है तो उसके आगे हमेशा क्या आएगा ए और अगर कोई भी नेमिंग वर्ड की स्टार्टिंग एक वॉवल साउंड के लेटर से होती है तो हम बोलेंगे हम उसके आगे क्या लगाएंगे एन नेमिंग वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेट साउंड कोई भी नेमिंग वर्ड अगर शुरू हो रहा है एक कॉन्सोनेंट साउंड से तो उसके आगे हम लगाएंगे ए और कोई भी नेमिंग वर्ड या फिर हम या तो हमारा नाउन अगर उसकी शुरुआत कोई एक वॉवल साउंड से होती है तो हम उधर लगाएंगे एन एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग ए अ हॉर्स अ शॉप अ प्लेयर अ टाइगर अ कोन ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं तो इनके आ ये जो नो, जो भी नाउन लिखे गए हैं उनका फर्स्ट लेटर चेक करो यहाँ पे क्या लेटर है एच हम इसे बोलेंगे भी क्या हॉर्स ये यानी आपका एच की आवाज़ होती है तो ये क्या है कॉन्सोनेंट साउंड है अ शॉप शॉप एस की आवाज़ है प्लेयर प पी की आवाज़ टाइगर ट टाइ टी की आवाज़ कौन क की आवाज़ तो क ये सब क्या है ये सारे हमारे क्या हैं कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं तो इनके आगे हमने क्या लिखा है ए अब देखते हैं एन का यूज कैसे होता है तो एन एस एन ऑफिस एन अम्पायर एन एलिफेंट एन आइसक्रीम अब देखो फर्स्ट लेटर का जो भी प्रोनाउंसिएशन यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है एस ए ए तो ए से शुरू होने वाला वर्ड या फिर इसकी आवाज़ भी क्या है अ आवाज़ है तो ये क्या हो गया हमारा वॉवल हुआ अब फर्स्ट लेटर वॉवल है उसका साउंड कैसा है वॉवल का साउंड है इसलिए इसके आगे क्या लगा है एन एन ऑफिस ओ ओ की आवाज है इसलिए आगे क्या आया एन एन अम्पायर अ की आवाज अ यू हम लोग क्या करेंगे अ आता है तो अम्पायर एन एलिफेंट ई ई की ही आवाज़ है एलिफेंट ए तो एन एन आइसक्रीम यहाँ पे देखो फर्स्ट लेटर क्या है आई है इसलिए हमें यहाँ पे क्या आएगा आइसक्रीम के अंदर आगे आगे आएगा एन यूज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर अब हम नाउंस पढ़ लिया हमने ए एन एन कब आता है नाउन के आगे वो देख लिया अब देखते हैं हम कोई भी एक वर्ड को कैपिटल या फिर स्मॉल में कब लिखेंगे कोई भी एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कब होता है नेम ऑफ अ पर्सन विथ अ कैपिटल लेटर अगर मैं आज किसी भी इंसान का नाम लेती हूँ तो उसका स्टार्टिंग कैपिटल से होगी जैसे कि और वी बिगिन द नेम्स ऑफ द थिंग्स विद अ स्मॉल लेटर और कोई भी चीज़ का अगर हम नाम लेते हैं तो उसके आगे हम, उसको हम उसका फर्स्ट लेटर हम स्मॉल लेटर लोअर केस से लिखते हैं लर्निंग लेट्स लर्न सम एग्जाम्पल्स अबाउट यूजिंग कैपिटल एंड स्मॉल लेटर जैक हैज़ अ बॉल अब देखो यहाँ पे जैक है एक तो हमारा सेंटेंस का हमेशा कोई भी पहला वर्ड होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा हम कोई भी लाइन लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है लाइन में जो सबसे पहला वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कैपिटल लिखते हैं पर अगर सेंटेंस के अंदर किसी भी इंसान का नाम आता है तो हम उसे कैपिटल में लिखते हैं जैसे कि देखो यहाँ पे जैक लिखा है तो जैक एक लड़के का नाम है तो इसलिए उसके आगे जो फर्स्ट लेटर है जे जो है उसे हमने कैपिटल में लिखा है बट आप देखो यहाँ पे बॉल बॉल भी एक चीज़ का नाम है बट बॉल क्या है एक चीज़ का नाम है इसलिए हमने उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखा है लूसी हैज़ अ डॉल अब ल्यूसी लूसी एक इंसान का नाम है एक लड़की का नाम है इसलिए उसका जो फर्स्ट लेटर है एल वो कैपिटल में आया बट डॉल एक चीज का नाम है इसलिए डी हमने कैसे लिखा है शॉर्ट में स्मॉल में लिखा है रोजी हैज़ अ रोज़ रोजी भी एक लड़की का नाम है इसलिए उसका फर्स्ट लेटर आर जो है वो हमने कैपिटल में लिखा है और रोज एक चीज का एक फ्लावर का नाम है इसलिए हमने उसे स्मॉल में लिखा है टॉम हैज़ अ बाइसिकल सेम वे टॉम का भी फर्स्ट लेटर टी कैपिटल है पर बाइसिकल का बी कैपिटल नहीं है क्योंकि वो एक चीज़ का नाम है डॉली हैज़ अ काइट यहाँ पर भी डॉली एक, एक इंसान का नाम है इसलिए उसका फर्स्ट लेटर जो डी है वो कैपिटल है लेकिन काइट का के कैपिटल नहीं है क्योंकि ये एक चीज़ का नाम है एक थिंग का नाम है थैंक यू प्रेजेंटेड बाई स्प्रिंगडल स्कूल